हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस प्लांट को मिली बग स्पाइडर माइट्स के अटैक से हमें किस तरीके से बचाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गार्डनर को कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको मिली बग से छुटकारा पाने के लिए 4 मेथड बताऊँगी। अगर आपके किसी भी प्लांट पर मिली बग का अटैक हो गया हो और आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये आपके सभी प्लांट पर फैल जाएगा। यहाँ पर मैं जो 3 मेथड दिखाऊंगी वो सभी आपके घर में जरूर होंगे, लेकिन आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो 4th वाले मेथड से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इन सभी मेथड को आप कोई भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पर बनाती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और इस पर काफ़ी सारे मिली बग का अटैक हो गया था। इसके सभी ब्रांचेस भी काली पड़ रही थी और काफ़ी सारी चिट्टियाँ भी इस पर आ गई थी और प्लांट तो जैसे मरने ही वाला था। तो इस पर मैंने वही 4th वाला मेथड यूज़ किया था जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। देखिए, अब इस पर काफ़ी सारी नई नई पत्तियाँ भी आ रही है और कुछ ही दिनों में इस पर कलियाँ भी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं 1st वाला मेथड। इसमें हम पूरे प्लांट को अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि हमारे प्लांट्स पर कहाँ कहाँ मिलीबग का अटैक हुआ है। आप चाहे तो ऐसी ब्रांच को कट करके फेंक भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। इस वाले मेथड में हम सिंपल पानी का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप किसी स्प्रे बॉटल में पानी भर के पूरे प्रेशर के साथ पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करें। ध्यान रखें फ्रेंड, यहाँ पर एक भी मिलीबग छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी मिलीबग छूट गया तो वो फिर से अपने बच्चे डेवलप करेगा और बहुत सारे मिलीबग हो जाएंगे। हमारे इस वाले मेथड से प्लांट से बहुत सारे मिलीबग हट जाएंगे, लेकिन 100% रिजल्ट के लिए हमें इसके साथ 2nd वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा। ये एक दिन बाद का रिजल्ट है फ्रेंड्स, अभी भी इस पर कुछ कुछ मिलीबग दिखाई दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा 2nd मेथड। इस मेथड में हम यूज़ करेंगे नीम ऑयल। नीम ऑयल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, आप इसका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाले प्लांट्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में लगभग 10 से 12 ड्रॉप जितने आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं, और अच्छे से सेक करके पूरे प्लांट को नहला देना है। एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे आप 15 दिनों में एक बार कर सकते हैं, लेकिन जब प्लांट पर मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है तब आप 1 या 2 दिन छोड़कर इसे यूज़ करें। तो चलिए अब देखते हैं 3rd वाला मेथड। 3rd मेथड में हम लिक्विड सोप का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट, विम या शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइफ बॉय का हैंड वॉश यूज़ करूँगी। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच जितना लिक्विड यूज़ करना होगा। अब इसे पानी में अच्छे से मिलाकर आपको पूरे प्लांट के ऊपर और हर पत्तियों के नीचे इसका स्प्रे करना है। एक भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्तियों के नीचे भी काफ़ी सारे मिलीबग छुपे होते हैं। इस मेथड को आप सुबह मॉर्निंग में या शाम को कर सकते हैं, दोपहर के टाइम पर आप इसे ना करें। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखेंगे हम 4th वाला मेथड। तो इस वाले मेथड में हम यूज़ करेंगे केमिकल फंजीसाइड। फ्रेंड्स, ये मेरा वही प्लांट है जिसकी केयर के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो अपलोड किया है। देखिए इस पर कितनी सारी कलियाँ और फूल भी आए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ये मैंने वीडियो में दिखाया है। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं इसी फंजीसाइड का यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स पर। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ।
यह आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाएगा। देखिए यह कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको इसे 1/4 स्पून जितना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसे डायरेक्ट स्प्रे बॉटल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 5 मिनट में ही ये पूरी तरह से घुल जाएगा। अब आप इसे सभी मेथड की तरह पट्टियों के ऊपर और पट्टियों के नीचे अच्छे से स्प्रे करें और पूरे प्लांट को नहला दें। जब प्लांट पर मिलीबग फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ हो, तब वीक में एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 25 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो ये पूरे 3 दिन बाद का रिजल्ट है। देखिए हमारे सभी प्लांट कितने खुश हो गए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसी और दिन मिलते हैं किसी और वीडियो के टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।